प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने अयोध्या में निषाद राज के नाम पर बन रहे आश्रम स्थल पर कहा कि रावण राज को खत्म करने के लिए भगवान राम ने निषाद राज की सेना को लेकर रावण राज को खत्म किया था। हम लोग गौरवान्वित हैं कि भगवान राम निषाद राज के बाल सखा थे। उस इतिहास को दोबारा जीवित किया जा रहा है, लोग अब सम्मान कर रहे हैं। अयोध्या में 7 ऋषियों की मूर्ति के साथ निषाद राज की भी मूर्ति लग रही है। इसके अलावा माता सबरी के नाम से भोजनालय बन रहा है। जिस तरह सबरी के घर भगवान राम गए थे, उसी तरह निषाद के घर पर पीएम मोदी गए थे। यह गर्व का विषय है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, राजा था एक सुख देने वाला, दुख देने वाला। तो रावण राज को खत्म करने के लिए निषाद राज और भगवान राम की सेना लेकर खत्म हुआ था। इस युग में भी दुख देने वाले राज को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई निषाद राज। हम लोग गौरवान्वित हैं कि निषाद राज कभी भगवान राम के आत्मबाल सखा थे। उस इतिहास को पुनः जहाँ इनको केवटा मल्हावा बिंदवा कहा जाता था, अब कम से कम उसके बहाने सम्मान प्राप्त करेंगे। आश्रय स्थल निषाद राज के नाम से, प्लस जो 7 ऋषियों का जो उसमें मूर्ति लग रही है, उसमें निषाद राज की भी मूर्ति लग रही है। उस अयोध्या में हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। और माता सबरी के नाम से जो भोजनालय है, वो भी एक है कि कम से कम एक किस तरीके से सबरी के घर भगवान राम गए थे, उसी तरीके से इस युग में एक निषाद राज के घर में मोदी जाके मूर्ति लग गए हैं। और ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है।